है और वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो यह बोलने लगता है कि तुम लोग पूजा करने के अलावा तुम लोग इस घर के कचरों को साफ कर देती तो अच्छा होता। तभी कुहू यह बोलती है कि कम से कम आज तो इतनी तो शांति मिली है ना। राधिका को किसी भी हाल में इस घर में नहीं रहना देना चाहती है सुजाता। और वही दूसरी तरफ दादी सा और काली भाभी काफी प्रयास करते रहती है कि राधिका इसी घर में रहे। और उधर सुजाता ने दिव्यम को गलतफहमी में डाल रखी है कि राधिका ने उसे खुद छोड़कर चली गई थी। और राधिका से सुजाता यह बोली थी कि अगर तुम दिव्यम की खुशी चाहती हो तो तुम दिव्यम को छोड़ दो। और दूसरी तरफ जग्गू भी यह चाहता है कि राधिका और दिव्यम एक हो जाएं। और दादी सा जग्गू के बहाना को लेकर दिव्यम और राधिका को एक करने की कोशिश करती है, क्योंकि दादी सा के ही कहने पर राधिका ने इस घर में जग्गू को देखभाल करने के लिए आई है, क्योंकि राधिका पर इस घर वाले ने सुजाता ने यह इल्जाम लगा रखी है कि राधिका ही ने जग्गू को धक्का दी थी, जिसके कारण आज जग्गू का ये हालत है। और वही दादी सा को यह एहसास होता है कि राधिका ऐसा नहीं कर सकती, तो वह पूरी कोशिश करती है कि किसी भी तरह से राधिका को इस घर में दोबारा से मौका मिले। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दादी सा जग्गू के लिए राधिका को इस घर में रख पाती है या नहीं। और वही दूसरी तरफ सुजाता राधिका को इस घर से बाहर निकाल पाती है या नहीं, क्योंकि अब दूसरी बार दिव्यम ने राधिका को अपना लिया है और वह राधिका को दूसरी बार मौका देने का फैसला लिया है। जब इस बात का फैसला हो जाता है तो रानी काफी दुखी होती है। फिर अगले दिन रानी भांग की पुड़िया ले आती है और वह जूस में मिला देती है, जिससे राधिका पीकर कुछ उठपटांग करे और इस घर से उसे निकाल दिया जाए। और वह जूस जग्गू के लिए होता है और वह यह सोचती है कि मैं इस जूस में भांग को मिला दूंगी और वह जग्गू को पिलाएगी तो जग्गू के तबीयत पर कुछ असर होगा और वह इधर उधर कुछ करेगा, जिसके कारण राधिका बदनाम होगी और उसे इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी वह जूस को उस जूस में रानी मिला देती है भांग, तो वह जूस जग्गू के पाचन बद जग्गू तो नहीं बल्कि राधिका और दिव्यम पी लेता है। जब दिव्यम पी कर वह ऑफिस जा रहा होता है तो वह काफी नशे में धुत लगने लगता है और वह हर चीज उसे दो दो नजर आने लगता है। और वही राधिका को भी
काफी नशा आ जाता है और वह एक कछुए को लेकर स्टोर रूम में चली जाती है और वह उसे जोड़ने लगती है। और वही दूसरी तरफ जब दिव्यम घर में वापस आ रहा होता है तभी वह देखता है कि स्टोर रूम से कुछ आवाज़ आई है। तभी वह स्टोर रूम में चला जाता देखने के लिए। तभी उधर से काली भाभी का आ जाते हैं और वह देखता है कि एक चूहा है। तभी उसे यह ख्याल आता है कि कल दिव्यम ने इस घर में अनाज रखवाया है। तो वह सोचने लगता है कि अगर उस और देखता है कि वह उस घर का गेट खुला हुआ रहता है। तभी वह सोचता है कि अगर गेट खुला हुआ रहेगा तो चूहा उसमें घुसकर सारे अनाज को खा जाएंगे। तभी वह जाकर ताला लगा देता है। तभी दिव्यम अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे भाई मैं अंदर ही हूँ।